वेलकम टू मॉम एंड डॉटर्स, वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड डॉटर्स। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मेरी बर्थडे की शॉपिंग करने। तो अभी हम लोग तैयार तो हो गए हैं और फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने एंड आगे भी आप सुनेंगे। मम्मा मम्मा, मैंने आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। वाह, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खूब अच्छे हो गए और खूब इंजॉय कर रहे हो। तो बस मैं भी रेडी हूँ और मैं और शुभी जा रहे हैं बर्थडे की शॉपिंग करने। पर हाँ, मान्या को नहीं ले जा सकते, चोट लगी है और सब लोग मना भी कर, उनके पापा ने भी फ़ोन करके मना किया कि मान्या को नहीं ले जाना, क्योंकि भीड़ में लगता है ना डर कि कहीं भी अगर थोड़ा भी टच हो गया तो बच्चे को बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो मान्या नहीं जा रही है, थोड़ा सा अपसेट है, पर मम्मी उसको संभाल ले रही हैं। तो बस हम लोग निकलते हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, अभी भजन शाम के 5:30, लेकिन अभी भी जैसे ना हीट वेव्स लग रही है, जैसे पूरी लू के थपेड़े लगते हैं ना गाल पे, वैसे लग रहा है बाहर। लेकिन फिलहाल अब जाना तो है ही है, क्योंकि फिर रात बहुत हो जाती है और फिर सारा रूटीन भी शाम वाला डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस मैं और शुभी निकल रहे हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या मार्केटिंग हम लोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। मार्केट आ गए हैं एंड हम लोग ने कपड़ों की शॉपिंग ऑलरेडी कर ली है। बहुत भीड़ थी और चूज़ भी कर रहे थे तो याद नहीं आया और वीडियो नहीं बना पाए, बट कोई बात नहीं, हम घर चल के इसको भी दिखाएंगे। तो हम लोग ने कपड़े खरीद लिए। अब हम लोग क्या लेने जा रहे हैं मम्मा? हमारा वही आर्ट क्राफ्ट का सामान। हाँ, तो अब मेरा जो आर्ट क्राफ्ट का सामान है वही सब लेना है, क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्टिंग बहुत पसंद है। तो सिर्फ वही सब बचा है लेने के लिए मेरे बर्थडे में। मैं कल सर आर्ट कंगन सामान कंगन लेके अभी मम्मा कंगन ले ले, बहुत शोर हो रहा है, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अभी बज गया 7 और शुभी ने बहुत सारा सामान ले लिया, ड्राइंग का आर्ट का पूरा, मतलब अभी वो हम लोग घर चल के आपको दिखाएंगे। पर पता है वान्या नहीं आई है ना, तो बार बार हम लोग का ध्यान वान्या की ओर ही जा रहा है कि वान्या नहीं है, वान्या नहीं है। वान्या के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें ले ली हैं कि उसको बुरा ना लगे। उसको चश्मा चाहिए था, उसके लिए चश्मा ले लिया है। हाँ, चाहिए ही चाहिए था उसको चश्मा। तो बस हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं और शुभी सामने बैठी है मेरे, बहुत काफ़ी लेट हो गया, वान्या परेशान होगी। बस हम लोग 5 मिनट में दूरी नहीं है, तो बस 5 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। वान्या की आइसक्रीम नहीं मिली है तो ढूंढ रहे हैं आइसक्रीम, देखें कहाँ मिलती है, लेकिन आइसक्रीम लेकर के ही जाना है वरना वान्या बहुत गुस्सा हो जाएगी। दोस्तों हम घर चल के मिलते हैं और बातें करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग घर आ गए और ये देखिए मेरा हीरो। वान्या के लिए भी ये टी शर्ट लिया है और धोती पहनने के लिए ऐसे ही कैजुअल एक हाफ लोअर लिया है। और वान्या को चाहिए थे चश्मा, वान्या को चाहिए था चश्मा, तो वान्या के लिए चश्मा लेकर के आए हैं। लिपस्टिक भी छूट रही है और ये है वान पेंसिल जो यहाँ से निकल भी सकती है। हाँ, ये एक आया है, पेंसिल निकल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मम्मा वो दीदी पास में खाने। और वान्या के लिए आया है स्टिकर्स, और वान्या के लिए आया है चॉकोस, वान्या के लिए आया है सेंटर प्रेस, और हाँ वान्या के पास है कलर्स। अभी पापा इनकी तो शुभी बस वही बच्चों के गर्मियों के हिसाब से लिया है। शुभी भी कंफर्ट जोन में से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहती, मुझे दूसरा पसंद आता, पर शुभी ने लिया अपने लिए ये लोअर, और ये लिया है एक टी शर्ट, और एक ये लिया है हाफ पैंट, और ये घर के लिए हाफ लोअर लिया है, और शुभी ने लिया है अपने लिए आर्ट किट और आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत सारा सामान लिया उसने, वो सब रखा हुआ, वो उनको उनके बर्थडे के दिन मिला था, मिलेगा क्योंकि उनको वो मेरी तरफ से गिफ्ट चाहिए था, तो वो गिफ्ट मैंने दिलाया है। और बाकी इन लोग के खाने पीने की चीज़ें, पता है मार्केट में ना लगता है कि निकाल के, पर एक अंदर से एक डर सा रहता है, क्योंकि
लगता है कि कहीं कोई फ़ोन छीन के या लेके चला ना जाए, भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे चौक में। तो बस यही सब सोच करके नहीं ली निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब सेफ्टी से काम हो, ऐसा रिस्क लेने का कोई क्या ज़रूरत है। तो थोड़ी देर के लिए वही फ़ोन निकाला था, तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए मैंने, और आज देखिए क्या हुआ वहाँ, मैंने मेरे हाथ में थोड़ा सा कट लग गया, मैं आपको दिखाती हूँ। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोग कड़े देख रहे थे, तो एक हाँ बेटा लाइट ऑन कर लो ना। हाँ, तो हम लोग कड़े देख रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आप नाप के देख लीजिए। तो मैं अपनी चूड़ी निकाल कर उनको देने लगी नाप के लिए, पता नहीं कैसे चूड़ी वहाँ पे क्रैक हो गई और बिल्कुल उंगली ऐसे पूरा उठी दूर, मतलब पूरा कट लग गया, तो बहुत ब्लड निकल रहा था। लेकिन वहाँ पे मतलब कोई मेडिकल स्टोर नहीं मिला कि मैं एक हैंडी फ्लास्क लेके लगा लूँ। तो उसमें बस अब घर आ गए, बहुत थकान हो रही है, तो इसलिए थोड़ी देर बैठ गए। अब चलें चेंज करें और खाना वाना बना के फिर अभी दिया बाती पहले करनी है, उसके बाद खाना वाना बनाना है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग है शुभी के बर्थडे की शॉपिंग का, और कल तो कुछ ऐसा खास है नहीं, शॉपिंग आधी हो चुकी है और बाकी जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है वो मैं कल कर लूँगी, और साथ साथ में अब पैकिंग भी करनी है, हमको जाना भी तो है। और उसके बाद जो है संडे को है शुभी का बर्थडे, तो उस दिन का बर्थडे ब्लॉग आएगा। तब तक के लिए आप सब अपना खूब ध्यान रखिए, गर्मियाँ बहुत है, आज तो गजब की गर्मी थी, और खूब पानी पीजिए, और हो सके तो चिड़ियों और पक्षियों के लिए भी थोड़ा सा दाना थोड़ा सा पानी ज़रूर प्रोवाइड कराइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कर दिया करो यारों और लाइक कर दिया करो। थैंक यू, बाय बाय।